बार अबंकी जब मुझे भाई साहब ऐसा नजारा देखा तो दिल तार तार हो गया और मुंह से दुआएं निकलने लगी। लेकिन बाराबंकी जब के पीर बटावन क्षेत्र में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। अब आप इन तस्वीरों से कुछ अंदाजा लगाइए, उससे पहले हम ही आपको बताते हैं। बाराबंकी जब में मुस्लिम जोगी उद्यान समिति की ओर से कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और भाई साहब मुख्य अतिथि के रूप में सीओ सिटी सीमा यादव पहुंची थी। इस दौरान भाई साहब संगठन के अध्यक्ष दिलशाद वारिस भी मौजूद थे। भाई साहब नामी में दिलशाद है तो दिल तार तार भी हो गया। वैसे इस दौरान ताज बाबा भी थे। फिलहाल मोहम्मद दिलशाद क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। किस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन? आज कार्यक्रम मुस्लिम जोगी उत्थान समिति के द्वारा कमल वितरण का कार्यक्रम किया गया था। इसमें गरीबों के लिए हमने कमल बांटने के लिए काम किया और इस मोहल्ले के लिए और इस समाज के लिए और हम सभी समाज के लिए हम कार्यक्रम करते हैं कि हर गरीबों के लिए और हमारे जितने गरीब लोग हैं कि सबके लिए कि ना कुछ काम हो जाए और हम उसके लिए मदद। मोहम्मद दिलशाद भाई ने नया संगठन बनाया है भाई साहब, इसीलिए बेचारे थोड़ा हिचकिचा के बोल रहे थे। लेकिन हमारे ताज बाबा से मुलाकात कीजिए, जोर शोर से बोले हैं कि भाई साहब हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बनेंगे और हर गरीब और जरूरतमंदों की मदद करेंगे। कार्यक्रम था यहाँ पर कंबल वितरण किया जा रहा है मुस्लिम जोगी समाज की अध्यक्षता में। ये प्रोग्राम हुआ जिसमें गरीबों मजलूमों दलितों को कम्बल बांटने का प्रोग्राम था। बड़ी तादाद में सी ओ सी डी मैडम ने बांटा, सी ओ सी डी हमारी मैडम आई थी और पूरी कमेटी ने इस महल्ले को ध्यान में, पूरी कमेटी एक ज़माने से लगी हुई है कि यहाँ पे जीरो क्राइम, क्राइम का कोई मतलब ना रह जाए, क्राइम मुस्त नाबूद हो जाए, ये पूरी कमेटी तारीफ के काबिल है। इन लोगों ने रात में अपनी गाड़ी से जाकर जो ज़रूरतमंद लोग थे सो रहे थे उन लोगों को कम्बल भी उड़ाया है और यहाँ पे आपके सामने हज़ारों हज़ारों लोग हैं उनको कम्बल वितरित कर रहे हैं। गरीबों को जाड़ ठंड से कोई मौत ना हो, इसलिए इनका प्रयास है। ताज बाबा जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे भी दिलशाद भाई का नाम दिलशाद जो है इतना बड़ा दिल है, इसीलिए भाई साहब आज कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दौरान पदाधिकारी भी इनके कुछ कह रहे हैं, सुनते जाइए। बड़ा अच्छा बोले इस महल की बनाई गई है, हमारे दिलशाद भाई के जिम्मेदार हैं। ये गरीबों की इमदाद के लिए बनाई गई है, इसलिए कि इस्लाम इंसानी हमदर्दी और इंसानियत पर सबसे ज्यादा जोर देता है। उधर बाराबंकी जनपद के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ग्राम सुकनपुरवा गांव में एक कुएं में युवती का शव देख पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, कोहराम पसर गया। फिलहाल युवती का शव कुएं में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे कार्रवाई की जा रही है। पर फिलहाल बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए एबीएन न्यूज़ 24 की बैरल रिपोर्ट।